आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय अपनी यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान सीएम ने यमकेश्वर में महंत अवेधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तराखंड की जनता को संबोधित करते हुए सीएम भावुक हो गए। यहां सीएम योगी ने कहा कि पहाड़ों से पलायन होना एक बड़ा मुद्दा है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में परशुराम वाटिका में भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक और हियुवा के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। उन्होंने भगवान परशुराम के चित्र पर फूल चढ़ाए। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष गोविंद माधव और पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र मणि त्रिपाठी सहित तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आज इतनी बड़ी संख्या में भगवान परशुराम की जयंती पे यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, और जब इकट्ठा होते हैं किसी महापुरुष देवी देवता भगवान के नाम पर तो कुछ संकल्प भी होता है, और आज यहाँ हम सारे लोग कुछ न कुछ संकल्प भी लेंगे। इतनी बड़ी उपस्थिति में हम भगवान परशुराम को इस अवसर पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। बदायूं के ईदगाह और मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से ईद की नमाज अदा की गई, साथ ही अमन और चैन की दुआ भी मांगी गई। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल ईद की नमाज मस्जिदों में नहीं हो सकी थी, लेकिन इस साल ईद के मौके पर मस्जिदों में एक बार फिर रौनक देखने को मिली। मामला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने माता पिता के बीच हो रहे झगड़े से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। युवक ने परेशान होकर चाकू से खुद के पेट पर वार किया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। मैं और मेरी वाइफ थोड़ा मतलब आपस में ज़्यादा चट बाजी सी हो रही थी, तो वो ये पीछे से ही झगड़ा हो रहा था। हाँ मतलब आपस में, तो ये कहने लगा जो तुम्हारा रोज का किस्सा हो गया बहन, सुन लो मैं आज अपने आप को ख़त्म कर देता हूँ, तुम्हारी ये टेंशन ख़त्म नहीं होती। गुस्से में था, कभी उसने मेरे को ऐसा जवाब नहीं दिया। मैं अचानक में बस मैं तनक इतना सैड हुआ हूँ, रसोई में बड़ा लेकर अपना अंदर एक ही बार में आस। क्या नाम था बेटे का? शिवा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से है, जहां समोली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में पथराव और अवैध शस्त्रों से फायरिंग की गई है। फायरिंग के दौरान पक्षों में लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। लुटेरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इसमें 25,000 रुपए के इनामी दो बदमाश, जिनका नाम चरण सिंह व प्रमोद है, ये दोनों थाना गुन्नौर और थाना जुनावई के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक अवैध शस्त्र, उसके साथ में दो जिंदा कारतूस व लूट की गई दो पीली धातु की जेवर बरामद किए गए हैं। इन दोनों अपराधियों के द्वारा पिछले एक महीने में थाना बहजोई के अंतर्गत लूट की बड़ी घटनाएं कारित की गई थी। इन दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके दो साथी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई। रामनगरी अयोध्या में गंगा जमुनी सभ्यता की एक बड़ी मिसाल देखने को मिली है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास इकबाल अंसारी के घर पहुंचे और उन्होंने ईद और अक्षय तृतीया की बधाई दी। ईद के शुरू से
मनाया जाता है और अयोध्या कैसे मनाई जाती, किस भाईचारे के रूप में गंगा जमुनी संस्कृति अयोध्या का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए, इसलिए हम लोग इनके इनके ईद में ईद मुबारक करने के लिए आए हैं। ये अयोध्या नगरी है और यहाँ एक सीख लेने के लोगों की ज़रूरत भी है। ये अयोध्या धर्म की नगरी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एक तरफ यहाँ सरजू नदी है तो हनुमान जी का मंदिर है, बिजली सहित की मजार है, मस्जिद है। तो ये अयोध्या साधु संतों से है, साधु संतों की नगरी है, फकीरों की नगरी है, बुजुर्गों की नगरी है। तो यहाँ हमेशा हम लोग जो है साधु संतों के बीच में रहते हैं, गृहस्थों के बीच में रहते हैं। हमारे यहाँ एक तहजीब है अयोध्या की, तो यहाँ हिंदू मुसलमानों में कभी कोई विवाद नहीं रहा, ना विवाद है। गाजियाबाद में हिजाब को लेकर प्रदर्शन का मामला सामने आया है, जहां मोदी नगर गिन्नी देवी डिग्री कॉलेज में जब छात्राएं हिजाब पहनकर प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची तो प्रिंसिपल ने उनसे बात करने से मना कर दिया, उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद कुछ छात्राओं ने प्रिंसिपल के खिलाफ सड़क पर नारेबाजी की। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि ये बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं थे, इसलिए इनको बाहर निकालने के लिए कहा गया था। फोन आया था बेटे का, उनका कॉलेज में गए थे, उन्होंने मुझे विदाउट ड्रेस है मुझे बाहर कर दिया, फिर और जो ड्रेस वाले बच्चे गए उन्होंने कहा इसके ये हिजाब वाले ना बाहर करो, तो ये बात हुई थी बस। फिर बाकी काफ़ी टाइम बाद फिर फोन आया, मैंने क्या हुआ अभी उनको, बस हमने रोड पर जाम लगाया, फिर पुलिस प्रशासन आया, वो लेकर के अंदर गए, फिर पुलिस प्रशासन ने बात की है और चार दिन बाद जो भी कुछ होगा चार दिन बाद बात होंगी इसकी, बस इतने बात पता लगा। आज वो सब लड़कियां थी कि टैबलेट मिल रहे हैं टैबलेट, तो फिर हम कह रहे कहाँ मिल रहे हैं, कहेंगे मैम से बात करने चलते हैं, तो हमने कहा चलो चलते हैं, तो देखा तो मैम, हमने अंदर कहा कि मैम मैम से बात करनी है, कहने लगी कि हम जैसे हिजाब को देख लिया एकदम, कहने लगी कि तुमने हिजाब पहन रखा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर हमने कहा कि एक काम करो तुम बाहर आ जाओ, हम अंदर नहीं जा रहे तो तुम बाहर आ जाओ, तुम हमारे जो भी प्रॉब्लम है हमारी सुन लो, कहने लगी नहीं हिजाब उतार के जब ही अंदर आऊँ। टैबलेट वितरण हो रहा था जी, हमारे करीब 69 बच्चों को टैबलेट कटने थे, 55 बच्चे ले जा चुके हैं टैबलेट, उसी में छात्राएं जो है उस समय भी छात्राएं बहुत सारी यूनिफॉर्म में नहीं आई थी, तो हमारे कह रहे थे यूनिफॉर्म में ही बच्चों को मार्क करेंगे, तो उसी पर बच्चों ने मार्क। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।